Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? Audio, video, both clear? Good. चलिए अब स्टार्ट करते हैं. As I said in the first lecture, data structure का आपका पहला topic, and that is stack. ठीक है, शुरुआत करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टॉपिक. स्टैक किसका पार्ट है? इट्स अ पार्ट ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. तो हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स में हमारा पहला टॉपिक शुरू करते हैं. लास्ट लेक्चर आपका सिर्फ इंट्रोडक्शन था, डेटा स्ट्रक्चर्स क्यों पढ़ना चाहिए, क्या फायदे हैं. आज से आपका पहला बेसिक डेटा स्ट्रक्चर अपन शुरू कर रहे हैं, विच इज कॉल्ड एज स्टैक. ठीक है, अब मैं आप लोगों को स्टैक के बारे में कुछ पढ़ाऊं, उससे पहले आप मुझे एक छोटे से क्वेश्चन का जवाब दें. व्हाट इज एन एरे? इसी से डेफिनेशन निकलेगी स्टैक की. तो मुझे सभी लोग अपने अपने तरह से चैट में टाइप करके बताइए एरे क्या होता है. सबसे पहले ऐसा करते हैं, मैं लिखता हूं, आप हाँ ना बोलते जाना. नंबर वन, कैन आई से एरे इज ऑल्सो अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर? मेमोरी में एक के बाद एक एलिमेंट्स होते हैं. फाइन, इट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. फाइन, तो ये एरे की पहली खास बात. ठीक है, सेकेंड पॉइंट, क्या एरे का डेटा आप वाया इंडेक्स एक्सेस करते हैं? बताइए, एरे में किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना हो तो आप उसका इंडेक्स देते हैं 0, 1, 2 एंड सो ऑन, जो भी लैंग्वेज में आप काम कर रहे हो. वेरी गुड, सो इट इज इंडेक्स बेस्ड. एरे एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, एरे इंडेक्स बेस्ड है. अब एक बात बताइए ध्यान से, जो आपने सी पढ़ते वक्त कभी नहीं सोची होगी लेकिन डीएस पढ़ते वक्त सोचनी पड़ेगी. इमेजिन करिए मैंने एक एरे क्रिएट करा इंट एआरआर 5. जैसा आप जानते हैं इसका मेमोरी डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा. एरे के अंदर 5 सेल होंगे जिनके इंडेक्सेस 0 से लेकर 4 तक होंगे और नाम इसका ARR होगा. यस और नो? होगा. ठीक है, अब मुझे बताइए अगर मुझे इस एरे के अंदर डेटा स्टोर करना है, एज अ प्रोग्रामर मुझे इस एरे के अंदर डेटा स्टोर करना है, तो आप मानते हैं आप एक लूप चलाते हैं जो एरे के स्टार्ट से लेकर एंड तक चलता है. आपने नॉर्मली कोडिंग करते वक्त ये लूप हमेशा 0 से लेकर less than 5 का चलाया होगा. यस और नो? है ना, मुझे बताइए क्या मैं ये लूप उल्टा नहीं चला सकता एरे पे काम करते वक्त? अगर मैं चाहूं तो क्या मैं ऐसे नहीं कह सकता i = 4 से लेकर i > 0 तक और i-? कह सकता हूं ना. तो डेटा स्ट्रक्चर्स की भाषा में आप इसे बोलेंगे इट इज ओपन फ्रॉम बोथ दी एंड्स. एवरीवन प्लीज लिसन वेरी केयरफुली, डेटा स्ट्रक्चर की टर्मोलॉजी में आप बोलेंगे एरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है which is open from both the ends. मैं एरे में डेटा का इंसर्शन फर्स्ट एंड से लेकर लास्ट एंड तक भी कर सकता हूं या लास्ट से फर्स्ट तक भी कर सकता हूं. एग्री करते हैं? राइट, तो एरे के बारे में तीसरी खास बात, इट इज ओपन फ्रॉम बोथ दी एंड्स. मतलब आप एरे के अंदर दोनों एंड से डेटा का इंसर्शन और रिमूवल कर सकते हैं. ठीक है, आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं मिलता कि आप फर्स्ट एंड से ही चलें कि लास्ट एंड से ही चलें. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेजिन करिए एरे के अंदर 5 वैल्यूज स्टोर्ड हैं. अब बताइए मुझे अगर मुझे इस एरे के अंदर 30 एक्सेस करना है तो क्या 30 तक जाने से पहले
मुझे 40 और 50 को भी एक्सेस करना पड़ेगा क्या? जल्दी जवाब दें, क्या एरे ये रेस्ट्रिक्शन लगाएगा कि 30 तक जाने से पहले मैं 40 और 50 को भी एक्सेस करूं या नहीं? नहीं लगाएगा। इसका मतलब है जिसको चाहूं उसको एक्सेस कर सकता हूं, पहले 10 प्रिंट कर लूं, फिर मैं 50 एक्सेस कर लूं, फिर मैं 30 पे आ जाऊं, फिर मैं 40 पे चला जाऊं, फिर मैं 20 पे आ जाऊं, अलाउड है? राइट। इसे आप डेटा स्ट्रक्चर की टर्मोलॉजी में बोलते हैं, इट अलाउज रैंडम एक्सेस। यानी एरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो आपको फुल परमिशन देता है कि आप किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर लीजिए, वो आपसे किसी ऑर्डर में डेटा एक्सेस करने को नहीं कहता। एग्री करते हैं? एट रैंडम यू कैन एक्सेस एनी डेटा इन एनी ऑर्डर, राइट। और पांचवा, इट इज होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, होता है एटलीस्ट फॉर सम ऑफ द लैंग्वेजेस तो है। मैं ये नहीं कहता कि हर लैंग्वेज ये मानती है, अगर आप जावास्क्रिप्ट जानते हैं तो जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होता, राइट। हम वहां पे मल्टीपल डेटा आइटम्स रख सकते हैं एरे के अंदर अलग अलग टाइप के, बट इन जनरल वी कैन से इट इज अ होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ आइटम्स। ये आपने इन जनरल एरे के बारे में सुना होगा, है ना। अब गौर से सुनिए, अगर आप किसी एरे पे इन पांच में से दो प्रॉपर्टीज कैंसिल कर दें, दो प्रॉपर्टीज वापस ले लें, उन दो प्रॉपर्टीज को चेंज कर दें, तो वो एरे एरे नहीं रह जाता, वो अपने आप में बन जाता है स्टैक। गौर से सुनिएगा, कौन सी दो प्रॉपर्टीज की बात मैं कर रहा हूं। नंबर वन, ये प्रॉपर्टी हटा दीजिए, नॉट ओपन फ्रॉम बोथ दी एंड्स। नंबर टू, ये भी हटा दीजिए, नॉट अलाउइंग रैंडम एक्सेस। दैट मीन्स अ स्टैक इज नथिंग बट अ रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म ऑफ एन एरे। अ स्टैक इज नथिंग, स्टैक कुछ नहीं होता, वो सिर्फ एक एरे होता है जिसपे हम प्रोग्रामर्स अपनी तरफ से कुछ रेस्ट्रिक्शंस, कुछ शर्तें, कुछ कंडीशंस लगा देते हैं, तो फिर हम उसे एरे नहीं बुलाते, तो फिर हम उसको क्या बुलाते हैं? उसके लिए एक नया नाम दिया है प्रोग्रामिंग वर्ल्ड ने, और उसको हम नए नाम पे बुलाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्टैक। तो सबसे पहले सब लोग इस बात को एक्सेप्ट कीजिएगा, स्टैक होता नहीं है, स्टैक हम लोग क्रिएट करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि स्टैक होगा, वी क्रिएट अ स्टैक बाय पुटिंग टू इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शंस ऑन एन एरे। And what are those restrictions? Number one, दोनों एंड से ओपन मत करो, एक ही एंड से ओपन करो। और अभी ये बिल्कुल मत सोचना कि सर ये restrictions हम क्यों लगा रहे हैं। दो दिन वेट करिए, दो दिन स्टैक पढ़िए, फिर मैं आपको वो प्रॉब्लम्स दूंगा जहां एरे स्टाइल में आप हैंडल करेंगे तो कोड लिखने में दिक्कत जाएगी, वहीं पे आप स्टैक लेंगे, कोड आपका बेटर तरीके से काम करेगा। तो अभी दिमाग से क्यों निकाल दीजिएगा, जस्ट फोकस करिए जो हो रहा है उस पे। तो अगर आपको एरे के ऊपर दो रेस्ट्रिक्शंस लगाने को कहा जाए, नंबर वन, नॉट ओपन फ्रॉम बोथ दी एंड्स, दोनों एंड से ओपन नहीं होगा, एक ही एंड से ओपन होगा। नंबर टू, रैंडम एक्सेस अलाउ नहीं होगा। अब रैंडम का ऑपोजिट बताइए, प्रोग्रामिंग की दुनिया में रैंडम का ऑपोजिट सीक्वेंशियल। रैंडम एक्सेस नहीं होगा, एक्सेस होगा सीक्वेंशियल, तो ये एरे एरे नहीं रह जाता, ये अपने आप में बन जाता है स्टैक। बिल्कुल इंडेक्सिंग होगी जो ही, अभी देखिए आप, मैं थोड़ी कह रहा हूं कि एरे एरे नहीं है, मैं थोड़ी कह रहा हूं स्टैक एरे नहीं है, स्टैक एरे है, लेकिन एक ऐसा एरे जो उतने फ्रीडम के साथ नहीं आता जितने फ्रीडम के साथ एक एरे आता है। ध्यान से देखिए, ठीक है। अब आपको अगर मेरी बात समझ में आ रही है, तो मैंने कहा स्टैक एरे का रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म है। एक बार फिर बताइए, एरे दोनों एंड से ओपन होता है, एरे दोनों एंड से ओपन होता है, स्टैक कहता है वो दोनों एंड से ओपन नहीं होगा। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, बहुत क्रूशियल थ्योरी है इसकी। स्टैक कहता है वो एक एंड से क्लोज होगा, एक एंड से ओपन होगा। बिल्कुल ऐसे जैसे आपने जमीन पे एक पोल रख दिया हो, बिल्कुल ऐसे जैसे जमीन पे आपने एक पोल रख दिया हो, तो आप मानते हैं एक एंड पोल का जमीन के अंदर चला जाएगा, वो एंड यूज नहीं हो सकता, सिर्फ एक एंड पोल का ओपन रहेगा हवा में, वही एंड इसका ओपन एंड होगा, राइट। तो सबसे पहले तो आप दिमाग में डायग्राम इमेजिन करिए, जिस एरे को आप ऐसे देखते थे हॉरिजॉन्टली ओपन फ्रॉम बोथ दी एंड्स, अब आप उसे अगर स्टैक की तरह देखेंगे तो आप उसे देखेंगे कुछ ऐसे वर्टिकली, विच इज ओपन फ्रॉम ओनली वन एंड, राइट। अब आप बुद्धि लगाइए, अगर ये एक ही एंड से ओपन है तो जितना डेटा इसके अंदर हम स्टोर करेंगे और जितना डेटा इसके अंदर हम निकालेंगे वो एक ही एंड से होगा कि नहीं होगा ऑपरेट,
अगर एक ही एंड उसका ओपन है तो सारा डेटा एक ही एंड से आएगा, फाइन। आपको कंफ्यूजन था इंडेक्सिंग कैसे होगी, क्यों नहीं होगी इंडेक्सिंग, ये रहे इंडेक्सेस। इंडेक्सेस कहां गए, इंडेक्सेस कहीं नहीं गए, वो वहीं पे हैं। बस स्टैक ये बोलता है कि मेरी तरफ से रैंडम एक्सेस अलाउड नहीं है। आप पढ़िए फिर मैं आपको अच्छे रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल स्टैक के देता हूं, पहले पढ़िएगा ध्यान से। तो स्टैक कहता है मेरी तरफ से रैंडम एक्सेस अलाउड नहीं है, तो जो पहला एलिमेंट आप स्टैक में डालेंगे, जो फर्स्ट एलिमेंट आप स्टैक के अंदर इंसर्ट करेंगे, वो डेटा स्क्रोल डाउन होता हुआ, रोल डाउन होता हुआ, लुढ़कता हुआ स्टैक के पहले एम्प्टी सेल पे आएगा। बताइए जरा पहला एम्प्टी सेल क्या है, पहला एम्प्टी सेल जीरो है तो आपका फर्स्ट एलिमेंट यहां पर आएगा। याद रखिएगा ये लैंग्वेज नहीं कर रही है, ये मैं और आप एज अ प्रोग्रामर कर रहे हैं। हम इस तरह से इसको इंप्लीमेंट करेंगे कि जब हम इसके अंदर डेटा स्टोर करेंगे, जब तक नीचे वाला सेल फिल ना हो तब तक उसके ऊपर एलिमेंट नहीं आएगा। तो जो पहला एलिमेंट स्टैक में आएगा वो कौन सी पोजीशन पे आएगा, वो इस एग्जांपल में इंडेक्स नंबर जीरो पे आएगा, राइट। जब आप अगला एलिमेंट स्टैक में डालेंगे तो ऑब्वियस ही बात है नेक्स्ट एलिमेंट एम्प्टी पोजीशन वन है, तो अगला एलिमेंट 20 यहां पर आएगा। जब आप तीसरा डालेंगे तो वो यहां पर आएगा। क्या एरे में, सोचिए हम सीक्वेंस में जाएं, ऐसा जरूरी है, नहीं है ना। मैं पहले थ्री को भर दूं फिर मैं जीरो को फिल कर दूं, कर सकता हूं ना, कोई रोक टोक तो नहीं है, लेकिन स्टैक कहता है रोक टोक है। जब तक लोअर एंड पे एलिमेंट फिल नहीं होगा तब तक उसके अपर एलिमेंट पे, अपर एंड पे एलिमेंट नहीं आएगा। तो पहले जीरो फिल होगा, फिर वन फिल होगा, फिर टू फिल होगा, फिर थ्री फिल होगा और फिर फोर फिल होगा। अब आप इमेजिन करिए अगेन एक पोल, पोल के अंदर आपने कुछ आइटम्स डाले हुए हैं, तो जब आप पोल में झांकेंगे तो सबसे ऊपर कौन सा आइटम दिखेगा, जो सबसे आखिर में गया है वो, या जो सबसे पहले गया था वो, जो सबसे आखिर में गया है। आप इमेजिन करिए जब इस पोल को आप एम्प्टी करेंगे तो सबसे पहले बाहर कौन आएगा, जब इस पोल में से आप कुछ निकालेंगे तो सबसे पहले बाहर कौन आएगा, ये 50 आएगा ना सबसे पहले बाहर। 50 को हटाए बिना 40 तक नहीं जा सकते ना, 40 को हटाए बिना 30 तक नहीं जा सकते ना। ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप एक ऑर्डर्ड वे में डेटा एक्सेस कर रहे हैं, और अगर आप पहचान पा रहे हो तो ये कौन सा ऑर्डर है, ये लीफो ऑर्डर है। लीफो का फुल फॉर्म क्या होता है, लीफो का फुल फॉर्म होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एक्रोनिम लीफो। यानी अगर एक एरे ऐसा लिया जाए जिसका एक एंड बंद कर दिया जाए, बंद लैंग्वेज नहीं करेगी, हम ही ऐसा मानेंगे कि एक एंड इसका हमने क्लोज करा है, एक एंड इसका ओपन रखा जाए, जो एंड ओपन रखा जाए उसी एंड से इसमें डेटा डाला जाए, उसी एंड से इससे डेटा निकाला जाए, तो फिर ये एरे नहीं हो गया, ये एक ऑर्डर्ड एरे बन गया, और जिस ऑर्डर को ये फॉलो कर रहा है वो ऑर्डर अपने आप में हो जाएगा लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो फिर इसको एरे नहीं बुलाते, इसको प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में बुलाते हैं स्टैक। तो सबसे पहले तो ये बताइए स्टैक है या हम बनाएंगे, वी आर गोइंग टू क्रिएट इट, और इज इट ऑलरेडी देयर, नो वी आर गोइंग टू क्रिएट इट, वी विल टेक एन एरे, अप्लाई सम रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एरे, एंड दैट एरे विल नो मोर बी एन एरे, इट विल रादर बिकम अ स्टैक। तो कैन आई से अ स्टैक इज अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ एन एरे, कैन आई से अ स्टैक इज अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ एन एरे। और मैं फिर बोलूंगा अभी ये मत सोचिएगा सर बेनिफिट क्या है, बेनिफिट के लिए दो दिन बाद बात करेंगे। जस्ट थिंक कि आपको एक प्रोग्राम मिला है जिस पे बोला गया है इतने रेस्ट्रिक्शंस के साथ एरे पे काम करो, तो अगर आप वो रेस्ट्रिक्शंस को पूरा रेस्पेक्ट करें, आप उनको पूरा सम्मान दें रेस्ट्रिक्शंस को, तो फिर वो एरे की जगह प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में कहलाता है अपने आप में स्टैक, राइट। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं आपको रियल वर्ल्ड में देता हूं, आप जब ब्राउजर में वेबसाइट्स ओपन करते हैं, कभी ब्राउजर का बैक बटन चलाया है आपने, याद करिए ब्राउजर का बैक बटन लीफ ऑर्डर में चलता है, रिकॉल करिए। अगर आप एक ही टैब में मल्टीपल वेबसाइट्स खोलते जाएं, एक ही टैब में, तो जब आप बैक करते जाएंगे तो जो आपने लास्ट वेबसाइट ओपन करी है बैक करने में वही आएगी ना सबसे पहले, तो आपको नहीं पता लेकिन आपका ब्राउजर इंटरनली यूज करता है स्टैक, वो स्टैक के स्टाइल में ओपन वेबसाइट्स की लिस्ट मेंटेन करता है। और आप रिकॉल करिए आप पहली वेबसाइट तक नहीं जा सकते ना जब तक आप उसके पहले वाली वेबसाइट्स को एक्सेस ना करें, भले ही चार बार आपको बैक दबाना पड़े लेकिन वो वेबसाइट्स आपके सामने आएंगी, फिर आप उनके पहले वाली वेबसाइट पे जा पाएंगे। रिकॉल करिए आप कितने सारे एग्जांपल रियल वर्ल्ड में स्टैक के देखते हैं, खुद पहली बार स्टैक कर रहे होंगे तो
लेकिन आपने बहुत सारी जगहों पर स्टैक को अप्लाई होते हुए देखा है। चले आगे, ठीक है। तो अब इसके बारे में पॉइंट्स लिखते हैं। नंबर वन द क्वेश्चन इज व्हाट इज अ स्टैक, स्टैक क्या होता है, खूब सारी बातें रिलेटेड टू स्टैक। नंबर वन, अ स्टैक इज अ हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल समझ रहे हैं, एग्जिस्ट करता नहीं है, हम बनाते हैं तब आता है मेमोरी में। इट्स अ हाइपोथेटिकल और प्रोग्रामर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर। प्रोग्रामर इसे बनाता है अपनी तरफ से, बना हुआ आपको नहीं मिलता ये, राइट। अगर आपको लग रहा सर एरे भी तो प्रोग्रामर बनाता है, नहीं, आप सिर्फ एरे को यूज करते हैं। क्या एरे का सिंटेक्स आप बनाते हैं या आपको लैंग्वेज ने एरे बनाने का सिंटेक्स दिया हुआ है? लैंग्वेज ने दिया है, आप सिर्फ उसे यूज करते हैं, राइट। लेकिन स्टैक बकायदा आप खुद क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दैट एरे। सो नंबर वन, अ स्टैक इज अ हाइपोथेटिकल और प्रोग्रामर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, इट इज अ रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म ऑफ एन एरे, ठीक है। अभी बताइए रेस्ट्रिक्शन किस चीज का है, साइज का, मेमोरी का? नहीं, ना साइज ना मेमोरी। स्टैक में साइज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेमोरी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिहेवियर की प्रॉब्लम है। स्टैक बोलता है मेरे ऊपर दो कंडीशंस होंगी। नंबर वन, इट इज ओपन फ्रॉम वन एंड ओनली। स्टैक का कहना है वो सिर्फ एक एंड से ओपन होगा, इट इज ओपन फ्रॉम वन एंड ओनली, नंबर वन, राइट। नंबर टू, इट ओनली अलाउज सीक्वेंशियल एक्सेस। सीक्वेंशियल एक्सेस मतलब जब तक टॉप एलिमेंट को आप एक्सेस ना कर लें तब तक उसके बॉटम वाले तक आप नहीं जा पाएंगे। जब तक आप फिफ्थ पोजीशन वाले एलिमेंट को एक्सेस ना करें तब तक फोर्थ वाला नहीं मिलेगा, जब तक फोर्थ वाले को ना करें तब तक थर्ड वाला नहीं मिलेगा, राइट। सो इट अलाउज सीक्वेंशियल एक्सेस ओनली, नॉट रैंडम एक्सेस। आप स्टैक में से रैंडमली कोई एलिमेंट नहीं निकाल पाएंगे, जब निकालेंगे सीक्वेंशियली एलिमेंट्स निकालेंगे। और लास्ट पॉइंट, सिंस इट इज ओपन फ्रॉम वन एंड ओनली, ऑल इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशंस, ऑल इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशंस। खुशी का डाउट है, मतलब स्टैक की स्पीड स्लो होगी? स्पीड से प्रॉब्लम नहीं है बेटा, स्पीड स्लो नहीं होगी, स्टैक आपको सीक्वेंशियली एक्सेस करने देगा चीजों को, बस आप ये मान लो। यहां स्पीड नहीं देखते, हाँ चलो मान सकते हैं, एग्री कर ले अपन, बिल्कुल होगी, क्योंकि एरे की तरह स्टैक रैंडमली एक्सेस नहीं करेगा चीजों को, एग्री। अगर आपको कोई रैंडम एक्सेस करना है तो स्टैक वहां पर फिट नहीं है डेटा स्ट्रक्चर के तौर पर। स्टैक वहीं पर फिट है जहां डेटा आपको एक ऑर्डर में एक्सेस करना हो। सर प्रोग्रामर कैसे आइडेंटिफाई करेगा एरे को यूज करना है कि स्टैक? क्वेश्चन देखकर, सुमित क्वेश्चन देखकर आइडेंटिफाई करेगा प्रोग्रामर? क्वेश्चन ही ऐसा होगा जहां आपको स्टैक लगाना पड़ेगा। आप सोचिए वेबसाइट्स जो इंप्लीमेंट हो रही है, जैसे मैंने ब्राउजर का बैक बटन दबाया, आपको नहीं लगता ये स्टैक की रिक्वायरमेंट है? अगर मैं आपको ब्राउजर का बैक बटन इंप्लीमेंट करने को दूं तो आपको नहीं लगता ये बिहेवियर स्टैक जैसा है? सिंपल, राइट। वो आप जब क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन में आप बिहेवियर समझोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि यहां पे स्टैक यूज होना है, करेक्ट, ठीक है। तो सिंस इट इज ओपन फ्रॉम वन एंड ओनली, सो ऑल इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशंस टेक प्लेस फ्रॉम दैट एंड। लास्ट लाइन, दस the element inserted last becomes the one to be deleted first and this is called, क्या कहलाता है ये, जल्दी जल्दी बोलिए, जो लास्ट में गया है वो सबसे पहले बाहर आएगा, इसको क्या बोलते हैं? वेरी गुड, एंड दिस इज कॉल्ड LIFO order। तो stack ordered है, क्या कहते हैं? Stack एक ordered data structure है। Yes, stack एक ordered data structure है। उसमें order follow होता है,
उसी ऑर्डर के अकॉर्डिंगली एलिमेंट्स प्रोसेस होते हैं। आकाश का डाउट, सो सर वो एरिया होते हैं ना मेमोरी में स्टैक एंड हीप, ये उसी का रिलेटेड है। बिल्कुल, पहले आप स्टैक पढ़िए, फिर आपको पता चलेगा आपकी लैंग्वेजेस स्टैक कहाँ कहाँ यूज करती हैं। आप याद करिए, अगर आपने प्रोग्रामिंग में फंक्शन कॉल समझे हैं, तो अगर एक फंक्शन से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा फंक्शन कॉल होता है, तो कंपाइलर इंटरनली रिटर्न एड्रेसेस को भी स्टैक में मेंटेन करता है। ये भी मैं आपको यहाँ पढ़ाऊंगा। हम नॉर्मली प्रोग्रामिंग में सिर्फ फंक्शंस देखते हैं, हम ये नहीं समझते हैं कि फंक्शन कॉल पे इंटरनली कंपाइलर क्या क्या करता है। और वहां आपको देखेगा कंपाइलर स्टैक यूज करता है। आप जब वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं प्रोग्राम में मेमोरी के अंदर, तो वो भी स्टैक स्टाइल में मेमोरी में स्टोर होते हैं। राइट, पहले पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं आपके आसपास कितनी चीजें स्टैक बेस्ड हैं। ठीक है, कुछ टेक्निकल, कुछ नॉन टेक्निकल। राइट, आगे बढ़े। ठीक है, नॉन टेक्निकल में रिकॉल करिए किसी लड़की के हाथ की चूड़ियां, सोचिए स्टैक है। किसी लड़की के या महिला के हाथ की चूड़ियां स्टैक है। इमेजिन करिए, जब आप उसमें एक बैंगल डालेंगे तो टॉप से ही डालेंगे। ठीक है, जब ये बैंगल्स उतारे जाएंगे तो जो लास्ट बैंगल गया है वही सबसे पहले बाहर आएगा। इमेजिन करिए, पांचवा बैंगल निकालना होगा तो डायरेक्ट पांचवा वाला निकाल देंगे, उसके पहले वाले चार निकलेंगे ना बाहर पहले, वो स्टैक है। अगर एक प्रोग्रामर की तरह आप देखें तो, आया समझ? हाँ, टूथपेस्ट स्टैक है बिल्कुल, बट टूथपेस्ट में प्रॉब्लम ही आप अंदर नहीं डाल सकते ना कुछ वापस, टूथपेस्ट से तो बाहर ही आता है, अंदर कैसे जाएगा कुछ। हाँ, बैकस्पेस की भी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप सोच कर देखिए, आपको कई बिहेवियर्स ऐसे दिखेंगे जो स्टैक स्टाइल में आपको मिलेंगे। ठीक है, ये जो मैं आपको जूम पे क्लासेस ले रहा हूं, ये जो मेरे सामने एडिटर है, ये भी स्टैक है। आप नोटिस करिए, हम इस समय पेज नंबर 2 पे हैं। राइट, अगर मुझे पेज नंबर 1 पे जाना है तो यहां से बैक करना होगा। आपने देखा है कभी, अगर आप किसी और बैच में थे, तो जब मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट्स लेने को बोलता हूं तो पेज बाय पेज जाना पड़ता है मुझे। मैं डायरेक्टली 7 से 4 पे नहीं जा पाता हूं, मुझे एरो दबाना पड़ता है, वो 7 से मुझे 6 पे लाता है, 6 से 5 पे लाता है, 5 से 4 पे लेकर जाता है। तो जूम ऐप भी इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए इंटरनली स्टैक स्टाइल में पेजेस रख रही है। क्लियर? राइट, चलिए बढ़े आगे। ठीक है, तो कमिंग बैक टू आवर मेन पॉइंट, स्टैक एरे है नंबर 1, बट एरे जितना फ्रीडम नहीं देता है। एरे के कंपैरिजन में 2 रेस्ट्रिक्शंस लगाता है। नंबर 1, एक ही एंड से डेटा इंसर्ट और डिलीट होगा। नंबर 2, वो डेटा पहले डिलीट होगा जो बाद में इंसर्ट हुआ है, वो डेटा बाद में डिलीट होगा जो इंसर्ट पहले हुआ है, और आप रैंडमली किसी को भी एक्सेस नहीं कर सकते। तो अगर मैं आपसे बोलूं मुझे 20 चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैक नहीं मिलेगा जब तक मुझे 30, 40, 50 को हटाने को ना मिले। इज दिस क्लियर? चलें आगे। चलिए, अब स्टैक से रिलेटेड कुछ बेहद इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू स्टैक, क्योंकि हम ये वर्ड्स खूब यूज करेंगे प्रोग्रामिंग करने के दौरान, डिस्कशन करने के दौरान। अब ये बताइए, जब आप एरे के अंदर कोई एलिमेंट डालते हैं तो आप इस प्रोसेस को कुछ खास नाम देते हैं, या आप सिंपली इसको इंसर्ट बोल सकते हैं? जल्दी बताइए, जब आप एरे के अंदर कोई एलिमेंट डालते हैं तो क्या इसे कोई खास नाम देते हैं प्रोग्रामिंग में, या इसको सिंपली इंसर्ट बोल सकते हैं? वेरी गुड, एरे, एरे की बात कर रहा हूं बेटा, एरे की बात कर रहा हूं। तो आप बोलेंगे इंसर्ट बोल सकते हैं, कभी तो प्रोग्रामिंग में ऐसा स्पेशल नाम आपने नहीं सुना होगा, है ना? लेकिन स्टैक में इंसर्ट नहीं बोलते। स्टैक कहता है जब मेरे अंदर कोई एलिमेंट डाला जाएगा, तो आप ये बोलें आप उसे पुश कर रहे हैं। स्टैक कहता है जब मेरे अंदर कोई एलिमेंट डाला जाएगा, तो आप कहें आप उसे पुश कर रहे हैं। जैसे आप याद करिए, आपने अगर सी प्रोग्रामिंग पढ़ी है तो आपने सुना होगा वहां फंक्शन के डिक्लेरेशन को फंक्शन प्रोटोटाइप बुलाते हैं। प्रोटोटाइप वर्ड आपने सुना है, लेकिन वेरिएबल डिक्लेरेशन को प्रोटोटाइप नहीं बुलाते हैं। द वर्ड फंक्शन प्रोटोटाइप इज ओनली यूज फॉर फंक्शन डिक्लेरेशन, वी डोंट यूज प्रोटोटाइप वर्ड फॉर वेरिएबल डिक्लेरेशन। आ रही है मेरी बात समझ? बिल्कुल ऐसे जब आप स्टैक में कुछ स्टोर करते हैं, आप ये नहीं बोलेंगे आपने इंसर्ट करा,
एड करा, ये सब नहीं बोलते। वोकैबुलरी वाइज अपन बोलते हैं हमने स्टैक में पुश करा। जब हम कोड करेंगे स्टैक का तब भी हम पुश के ही नाम का फंक्शन बनाएंगे। क्या हम कोई और नाम नहीं दे सकते पुश की जगह? एरर आ जाएगी अगर मैं कोई और नाम दूंगा तो? नहीं, कोई एरर नहीं आएगी। लैंग्वेज को कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, लेकिन कल को जब मैं किसी के सामने बात करूंगा, कहीं इंटरव्यू फेस करूंगा और मैं बोलूंगा स्टैक में इंसर्ट हुआ, स्टैक में डिलीट हुआ, वो बंदा पहले ही मुझे रिजेक्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर की वोकैबुलरीज इतनी क्रूशियल हैं कि आपको उस वोकैबुलरी के दायरे में रहकर, डोमेन में रहकर अपना आंसर देना पड़ता है। तो आप कभी ये नहीं बोलेंगे वी इंसर्ट एलिमेंट्स इन द स्टैक। क्या बोलेंगे? वी टाइप द वर्ड, वी नेवर इंसर्ट एलिमेंट्स इन द स्टैक, वी ऑलवेज पुश एलिमेंट्स इन द स्टैक। तो पहली वोकैबुलरी जो आपको समझनी है दैट इज कॉल्ड एज पुश। अच्छा, मैं इसके साथ पैरेंथेसिस लगा रहा हूं, तो क्या आप सबको हिंट लग रहा है ये क्या है? वेरी गुड, ये एक फंक्शन बनेगा। दुनिया की हर लैंग्वेज में पैरेंथेसिस फंक्शन की पहचान होती है, मैक्सिमम लैंग्वेजेस में। आप कोई भी लैंग्वेज लें, पुश नाम का आप फंक्शन बनाएंगे। सो कोई कहता है पुश क्या होता है, तो आप बोलोगे इट इज द प्रोसेस, ठीक है, प्रोग्रामिंग के वर्ड्स में बोलूं तो फंक्शन, ऑफ इंसर्टिंग एलिमेंट्स इन द स्टैक। स्टैक में एलिमेंट इंसर्ट करने के प्रोसेस को इंसर्शन ना बुलाकर अपन लोग पुश बुलाते हैं। सो व्हाट डू? वी पुश द डेटा इन द स्टैक। ऐसे ही जब आप एरे में से कोई एलिमेंट हटाते हैं तो आप उसे रिमूव, डिलीट, कुछ भी बोल सकते हैं। स्टैक में कुछ भी नहीं बोलते, स्टैक में उसकी जगह हम लोग पीओपी पॉप बोलते हैं। ठीक, आज के दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स जरूर आपको याद रखने हैं थ्रू आउट डेटा स्ट्रक्चर, और वो है पुश एंड पॉप। खूब कॉमन आप सुनेंगे इनको। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ डिलीटिंग एलिमेंट्स फ्रॉम द स्टैक। अगर आपको स्टैक में से कोई डेटा रिमूव करना है तो आप ये नहीं बोलते हैं कि आप उस डेटा को डिलीट कर रहे हैं, आप बोलेंगे आप डेटा को पॉप कर रहे हैं। इतना आया समझ? आया, ठीक है। अब आइए थर्ड टर्मोलॉजी पे, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल। इमेजिन करिए ये कंप्लीट फुल स्टैक है, ये कंप्लीट फुल स्टैक है, एकदम भरा हुआ है। आप मुझे बताइए अगर मैं इसके अंदर 60 डालूंगा तो ये स्टैक 60 रख लेगा? अगर इसकी साइज 5 है तो नहीं रखेगा। तो जब एक टोटली फुल स्टैक में एक्स्ट्रा डेटा पुश करा जाता है तो हम बोलते हैं दिस बिकम्स द केस ऑफ स्टैक ओवरफ्लो। हम बोलते हैं दिस बिकम्स द केस ऑफ स्टैक ओवरफ्लो। और आप प्रोग्रामिंग की दुनिया में ओवरफ्लो नाम की एरर्स कई बार सुनेंगे। आप अगर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं वहां भी आप सुनेंगे ओवरफ्लो एरर। ओवरफ्लो का वर्ड यही इंडिकेट करता है कि अंदर बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं काम कर रहा है स्टैक। तो अगर स्टैक में कैपेसिटी से ज्यादा डेटा भरा जाए तो अपन मानते हैं स्टैक अपने आप में फुल हो गया है। एक फुल स्टैक में डेटा डालो तो प्रोग्रामिंग कहती है इट इज कॉल्ड ओवरफ्लो। तो अगर कोई आपसे बोलता है व्हाट इज स्टैक ओवरफ्लो, तो आपका जवाब होगा इट इज द सिचुएशन व्हेन वी ट्राई टू पुश एन एलिमेंट इन अ स्टैक व्हिच इज ऑलरेडी फुल। आई रिपीट, इट इज अ सिचुएशन और एरर व्हिच अकर्स व्हेन वी ट्राई टू पुश एन एलिमेंट इन अ स्टैक व्हिच इज ऑलरेडी फुल। कभी इतने स्पेशल वर्ड्स आपने एरे के लिए सुने? नहीं सुने होंगे ना, इसलिए स्टैक को इतनी वेटेज मिलता है, इसलिए स्टैक को इतनी इज्जत दी जाती है डेटा स्ट्रक्चर के वर्ल्ड में कि ये अपने ऑपरेशंस, अपने बिहेवियर सबके एक फिक्स नाम लेकर आता है और आपको उन्हीं नामों के साथ कोडिंग करनी है, चाहे जावा में करें, पाइथन में करें, सी में करें, बट हमेशा हर जगह पुशी बनेगा। हमेशा हर जगह जो एरर आएगी वो स्टैक ओवरफ्लो के नाम से ही आएगी। सो लेट्स कम बैक टू द थर्ड टर्मिनोलॉजी, दैट इज स्टैक ओवरफ्लो। नाउ व्हाट इज स्टैक ओवरफ्लो? आपका जवाब होगा इट्स एन एरर व्हिच अकर्स व्हेनेवर We try to push an element in an already full stack. ठीक, fourth. जब overflow है तो इसका opposite भी होता है. Any guesses? Stack underflow. Guess करिए ये कब होता होगा, जल्दी बताइए। ये तब का केस है जब स्टैक एम्प्टी है और आप एक एम्प्टी स्टैक में से कुछ पॉप कर रहे हैं। अगर एक एम्प्टी स्टैक में से कुछ निकालेंगे तो हम ये नहीं बोलेंगे स्टैक इज एम्प्टी,
हम बोलेंगे स्टैक अंडरफ्लो, हम बोलेंगे स्टैक अंडरफ्लो, राइट, बिल्कुल। एम्प्टी स्टैक में से कुछ पॉप करना अंडरफ्लो है, ओवरफ्लो स्टैक फुल स्टैक में कुछ पुश करना ओवरफ्लो है। सो इट इज एन एरर, और एरर कौन देगा? लैंग्वेज देगी कि हम ही देंगे? हम ही देंगे, लैंग्वेज को कोई मतलब नहीं है। लैंग्वेज का अपना स्टैक होगा तो लैंग्वेज देगी, लेकिन जब हमारा केस बनेगा तो हम देंगे। तो आप सोचिए, आपसे इंटरव्यू में अगर कोई पूछता है कि हम लोग मेन फंक्शन के अंदर 1000 इंटीजर डिक्लेयर करें तो क्या होगा, क्या बोलोगे आप? मेन फंक्शन के अंदर 1000 इंटीजर डिक्लेयर करें तो क्या होगा? तो आप नॉर्मल वर्ड्स में तो यही बोलोगे, सर अगर जगह हुई तो बन जाएंगे, नहीं तो नहीं बन पाएंगे। टेक्निकल वर्ड्स में आप बोलेंगे, क्योंकि हर फंक्शन अपने वेरिएबल स्टैक स्टाइल में रखता है, तो 1000 इंटीजर्स जहां तक आ पाएंगे आएंगे, और अगर नहीं आ पाएंगे तो क्या होगा? लैंग्वेज की तरफ से क्या मैसेज आएगा? लैंग्वेज की तरफ से मैसेज आएगा स्टैक ओवरफ्लो। लैंग्वेज आपको रन टाइम पे मैसेज देगी स्टैक ओवरफ्लो, ठीक है? अभी स्टैक हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, तो ये ओवरफ्लो वगैरह हमें अपने कोड के थ्रू स्क्रीन पे दिखाना पड़ेगा। सो स्टैक अंडरफ्लो, इट इज एन एरर विच अकर्स व्हेनेवर वी ट्राई टू रिमूव, नॉट रिमूव, पॉप एन एलिमेंट फ्रॉम एन एम्प्टी स्टैक, ठीक है? अब आइए पांचवें टर्म पे, फिफ्थ इंपॉर्टेंट टर्म, एंड दैट इज कॉल्ड पीप। आप बताइए इंग्लिश में पीप का मतलब? पीप, पीप, पी डबल ई पी, पीक नहीं, पी डबल ई पी, पीप माने झांकना, यही होता है ना, विंडो से पीपिंग करना, राइट, झांकना। दैट मीन्स अगर आप स्टैक का टॉप एलिमेंट एक्सेस करते हैं बिना पॉप करे, तो हम कहते हैं आप उसे पीप कर रहे हैं। मतलब लौटिए वापस स्टैक के डायग्राम पे, मुझे बताइए स्टैक में टॉप एलिमेंट क्या है? 50 है ना, आपको नहीं पता, ये आपने पीप कर लिया स्टैक को, आपको नहीं पता, ये आपने पीप कर लिया। आप नॉर्मल वर्ड्स में तो बोलेंगे, सर मैंने तो बस देखकर बता दिया कि 50 है, बस ये देखना और स्टैक का टॉप एलिमेंट पता करना कौन सा है, डेटा स्ट्रक्चर के वर्ल्ड में कहलाता है पीप। तो बहुत से लोग सिंपलेस्ट पॉसिबल क्वेश्चन के आंसर इंटरव्यू में नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनको वोकैबुलरी नहीं पता होती। इंटरव्यू बोलेगा पीप करके दिखाओ स्टैक में से, एक लाइन का स्टेटमेंट है पीप करना, मानते हैं आप? एक परसेंटेज डी लगाएंगे तो पीप हो जाएगा, क्योंकि आपको टॉप एलिमेंट ही तो प्रिंट करना है, बट वो भी नहीं हो पाता, क्योंकि पता ही नहीं होता कि पीप का मतलब क्या है। सो मेक श्योर पीप मतलब एलिमेंट हटेगा नहीं, बस आप उसे प्रिंट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज पीपिंग। तो जो एरे में प्रिंटिंग है वो स्टैक में पीपिंग है? एरे में प्रिंटिंग करना और स्टैक में पीपिंग करना आर दे सेम? यस। और पीप और पॉप में फर्क है? जल्दी बताइए, पीप और पॉप में फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। पॉप एलिमेंट रिमूव करेगा, पीप कभी रिमूव नहीं करेगा। और जब आप स्टैक बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो कई जगहों पर पीप करना पड़ेगा, कई जगहों पर पॉप करना पड़ेगा। कौन से एल्गोरिथम्स, कौन सी प्रॉब्लम, सब आपको दो लेक्चर बाद बताऊंगा मैं। अभी बस इन वर्ड्स को अपने दिमाग में आप लॉक कर लें, ताकि इनके बारे में मैं वर्ड्स यूज करे हुए कुछ बोलूं तो आप समझ जाए मैं बात किसकी कर रहा हूं। तो पीप, इट इज द प्रोसेस, अगेन इट इज अ फंक्शन, अगर प्रोग्रामिंग के वर्ड्स में बोले तो, ऑफ एक्सेसिंग, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, नॉट रिमूविंग, द टॉप एलिमेंट ऑफ द एरे। और पीप किसी भी एलिमेंट को कर सकते हैं कि बस टॉप ही को कर पाएंगे? जल्दी जवाब दीजिए, पीप किसी भी एलिमेंट को कर सकते हैं कि टॉप एलिमेंट को ही कर पाएंगे? शाबाश, वेरी गुड, टॉप को ही कर पाएंगे। स्टैक अलाउ ही नहीं करता जब तक ऊपर वाला एलिमेंट ना हटे, तब तक नीचे वाले को एक्सेस करना। जब वो अलाउ ही नहीं करेगा तो आप कैसे पीप कर लेंगे सेकेंड या थर्ड एलिमेंट को? तो जब भी झांकेंगे टॉप एलिमेंट ही दिखेगा स्टैक में, जब भी झांकेंगे टॉप एलिमेंट ही दिखेगा। यस, आप स्टैक को फिर एक बार थोड़ी देर के लिए पोल की तरह इमेजिन करिए, एक ऐसा पोल जो आपने जमीन पे रखा है, जिसमें आपने कुछ बॉल्स डाली हुई है। जब आप टॉप से देखेंगे तो सबसे ऊपर फर्स्ट बॉल ही तो आपको दिखेगी जो लास्ट में इंसर्ट हुई है, उससे नीचे वाली बॉल कहां नजर आएगी? जब तक फर्स्ट वाली बॉल हट ना जाए, राइट? सो इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग, नॉट रिमूविंग, द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक। आप सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट टर्म, ठीक? ये बताइए, वापस सी लैंग्वेज पे चलते हैं। अच्छा, लैंग्वेज
सी लेकर बात कर सकता हूं ना आपसे? सी के कॉन्टेक्स्ट में कंफर्टेबल हैं सभी लोग? ठीक है, तो आप मुझे सी लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए, अगर मैं आपसे कहता हूं मुझे इस एरे में यूजर से इनपुट लेना है, सी में प्रोग्राम बनाना है जो इस एरे में यूजर से इनपुट ले, तो आप लोग जल्दी से मुझे जवाब दें, इस एरे में अगर हमें इनपुट लेना पड़े तो आप एक लूप चलाएंगे, यस और नो? चलाएंगे ना, वेरी गुड। इस लूप को चलाने के लिए आप फॉर के अलावा, एरे के अलावा एक वेरिएबल लेते हैं ना, आई लेते हैं ना, आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन फाइव, वेरी गुड। ये आई का क्या रोल होता है एरे में, आई क्या रोल प्ले करता है? बोलिए बोलिए, सी का वर्ड यूज कीजिए। हां जी, परफेक्ट। आई का रोल होता है इंडेक्सिंग करने का, तो एरे इंडेक्स से एक्सेस होता है। एज अ प्रोग्रामर एरे को एक्सेस इंडेक्स से ही करते हैं आप? बिल्कुल, इंडेक्स से ही करते हैं। ये अलग बात है कि अगर आपको पॉइंटर आता हो तो आप एड्रेस से भी कर सकते हैं, बट इन जनरल तो इंडेक्स से करते हैं, करते हैं, राइट। तो जो रोल एरे में आई का होता है इंडेक्सेस रखने का, वो रोल याद रखिएगा स्टैक के अंदर एक और वर्ड का होता है, एक और वेरिएबल का होता है, और उस वेरिएबल को हम लोग बुलाते हैं TOS। ठीक, एनी गेसेस अबाउट द फुल फॉर्म? एनी गेसेस अबाउट द फुल फॉर्म? TOS स्टैंड्स फॉर टॉप ऑफ स्टैक, TOS स्टैंड्स फॉर टॉप ऑफ स्टैक। तो ये क्या है? इट इज अ पॉइंटर। ठीक है, आप सभी लोग ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ये वो पॉइंटर नहीं है जो आप सी में पढ़ चुके हैं। आपको याद है सी का पॉइंटर एड्रेस रखता है, याद है? ये एड्रेस नहीं रखता है, ये इंडेक्सेस रखता है। सिर्फ हम बोलचाल में इसको पॉइंटर बोलते हैं, बट इट इज नॉट पॉइंटर ऑफ सी, इट इज जस्ट अ पॉइंटर इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश में पॉइंटर का तो मतलब यही हुआ ना, जो पॉइंट कर रहा है, इसका कोई मतलब एड्रेस से तो नहीं होता ना इंग्लिश में। सो डोंट टेक इट टू बी पॉइंटर ऑफ सी प्रोग्रामिंग, इट इज जस्ट अ नॉर्मल पॉइंटर, राइट, जो इंडेक्स रखने का काम करेगा। सो इट इज अ पॉइंटर, ठीक है, पॉइंटर मतलब नॉर्मल वेरिएबल, नॉट पॉइंटर ऑफ सी, सी का पॉइंटर नहीं है। ठीक है, विच होल्ड्स द इंडेक्स वेयर पुश कॉमा पॉप और पीप ऑपरेशंस विल टेक प्लेस। सोचिए, ध्यान से सोचिए और बताइए, जो लास्ट लर्ड मैंने लिखा आपके समझ आया? हमने बोला ना पुश स्टैक में डेटा पुश करता है, कौन से इंडेक्स पे पुश करता है? पुश को क्या पता कौन सा इंडेक्स खाली है, कौन सा भरा है, तो पुश को बताएगा टॉस। पॉप स्टैक से डेटा निकालता है, कौन से इंडेक्स से? उस इंडेक्स से जिसको पॉइंट कर रहा है, टॉस। पीप स्टैक का टॉप एलिमेंट देता है, पीप को कैसे पता कौन सा एलिमेंट टॉप है? पीप को यह बात बताएगा टॉस। इसका मतलब ये तीनों टॉस पे डिपेंड करते हैं। व्हाट डू यू से? यस, ये तीनों टॉस पे डिपेंड करते हैं। अगर स्टैक में से टॉस हट जाए तो स्टैक ऑपरेट ही नहीं हो सकता। बिल्कुल वैसे जैसे एरे को एक्सेस करने के लिए आई जे के कुछ तो लेंगे आप, कोई तो वेरिएबल प्रोग्रामिंग में लेंगे जिसके बेस पर आप बोलेंगे ए आर आर आई इज इक्वल टू 10। तो जो रोल, जो अहमियत इस आई की है, वो अहमियत वहां टॉस की है। तो वहां आई जे के नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, नॉन टेक्निकली नहीं बोल सकते, टेक्निकली तो कुछ भी बोल दीजिए, हो तो वो एक इंटीजर ही रहा है, कुछ भी नाम चलेगा। बट जैसे पॉप को पॉप ही बुलाना है, डिलीट नहीं बोल सकते, पुश को पुश ही बुलाना है, ऐसे वो वेरिएबल जो स्टैक में इंडेक्सेस रखता है उसे टॉस ही बुलाते हैं। बताइए, समझ आई बात? एक रफ आइडिया लगा? ठीक है, और दो दिन पेशेंस रखिएगा आराम से, सब एकदम से आज ही समझ में आ जाए जरूरी नहीं है, लेकिन दो दिन बाद जब आप कोड करने बैठेंगे तब आपको सब समझ में आएगा स्टैक की वर्किंग। आगे बढ़ूं? चले आगे, ठीक है। तो अब मुझे स्टैक को डायग्राम वाइज रिप्रेजेंट करना है। डायग्राम वाइज क्यों करना है? क्योंकि डायग्राम जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक कोड का इमेजिनेशन आपका नहीं बैठेगा। अब मैं बताता हूं स्टैक का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। अब आपको जितना अभी तक आपने लेक्चर सुना, अगर वो समझ में आ रहा है तो अच्छे से सोच के मुझे जवाब दीजिए, स्टैक इंप्लीमेंट करने के लिए, स्टैक की कोडिंग करने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी? बताइए, स्टैक बनाने के लिए, इसे बनाने के लिए, ध्यान दीजिएगा, इसे बनाने के लिए, इसे
बनाने के लिए हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी, जल्दी बताइए। बिल्कुल 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 सबके लिए सेम है सोनाक्षी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज स्टैक बिहेव्स सेम, राइट? सोनाक्षी आपने कोई दो लैंग्वेजेस पढ़ी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? आप बताओ कोई दो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस पढ़ी है? पढ़ी होंगी। अब आप बताइए सब में क्लास का कॉन्सेप्ट सेम है? है, सभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस सेम इनहेरिटेंस सेम पॉलीमॉर्फिज्म सेम कंस्ट्रक्टर के कॉन्सेप्ट देती हैं, बस कोड लिखने का सिंटेक्स फर्क हो जाता है। बिल्कुल सेम यहां पर है। आप ये कभी मत बोलिए सर ये सी में स्टैक पढ़ रहे हैं क्या अपन? नहीं, अपन स्टैक पढ़ रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर में, बट इंप्लीमेंट हम उसे किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, राइट? आप मुझे बताएं सभी लोग, नहीं मैं पुशपॉप की बात नहीं कर रहा हूं, सब लोग सुने मेरा सवाल, मैं कह रहा हूं मुझे अगर स्टैक की प्रोग्रामिंग करनी है तो सबसे पहले स्टैक क्रिएट तो करना पड़ेगा ना मेमोरी में, कि नहीं क्रिएट करना पड़ेगा? क्रिएट तो करना पड़ेगा ना। तो ये आपको किसके जैसा दिख रहा है? ये आपको एरे जैसा नहीं दिख रहा क्या? है ना, तो एक तो एरे लगेगा, शाबाश। अकेले एरे से काम हो जाएगा? नहीं। याद कीजिए अभी मैंने आपको बताया जो रोल आई का है वो रोल यहां पे किसका है? टॉस का है। यानी जब भी स्टैक इंप्लीमेंट होगा दो चीजों के साथ होगा, दो चीजों के मिले जुले एफर्ट या कॉम्बिनेशन से होगा। कौन दो चीजें? जल्दी जल्दी बोलिए कौन दो चीजें? एक एरे और एक इंटेजर। एक एरे और एक इंटेजर। एरे क्या करेगा? एरे क्या करेगा? वो डेटा होल्ड करेगा, वही तो स्टैक कहलाएगा, वो डेटा होल्ड करेगा। और इंटेजर क्या करेगा? वो इंडेक्सिंग करने का काम करेगा, वो एक एक इंडेक्स को रेफर करता हुआ आगे बढ़ेगा। तो इमेजिन करिए अगर मैं स्टैक का फर्स्ट डायग्राम डिजाइन करूं तो आप मानते हैं ऐसा एक एरे होगा जिसके जीरो से, मान लीजिए स्टैक की साइज 5 है, 0 से 4 इसके इंडेक्सेस होंगे। हाँ, एक ही साइड से ओपन कैसे होगा वो हम कोड में करेंगे मोहित, वो हम ऐसा करेंगे कि उसका बिहेवियर एक साइड से ओपन आपको लगेगा, राइट? जब हम यूजर से इनपुट लेंगे और स्टैक के अंदर पुश करेंगे तो हम ऐसे करेंगे कि आपको देखकर बिहेवियर लगेगा कि वो एक ही एंड से सारे ऑपरेशन हो रहे हैं। करना तो हमें इंप्लीमेंट है ना, यस और नो? लैंग्वेज थोड़ी कह रही है, हम करेंगे इसको कोड में इंप्लीमेंट, राइट? अगर आप लैंग्वेज का स्टैक यूज करेंगे तो लैंग्वेज करेगी इस चीज को इंप्लीमेंट, ठीक है? चलिए, तो एक तो हमारा एरे हो गया, तो इसको एआरआर नाम दे सकते हैं, एरे एआरआर के नाम से बना लेंगे, ठीक है? और एक हमें चाहिएगा टॉस, चाहिएगा चाहिएगा। अब आप बताइए समझ आ रहा है कि नहीं? ये पूरा अपने आप में स्टैक है, बोलिए इज दिस अ स्टैक? Yes, a stack is always a combination of two things, an array for holding the data and a toss for referring to the indexes. आई बात समझ? Point clear हुआ? Fine. अब थोड़ा सा सी लैंग्वेज याद करिए, ये जो आप टॉस वेरिएबल बनाएंगे इसमें गार्बेज होगा ना बाय डिफॉल्ट? सी में तो सब में गार्बेज होता है इनिशियली, है ना? हम सी यूज कर रहे हैं तो इसमें गार्बेज छोड़ना गलत है, तो हम चाहेंगे टॉस को हम इनिशियलाइज करें, राइट? अब यहां पर दो अलग अलग थॉट्स होते हैं, दो अलग अलग मेंटालिटीज होती हैं। कुछ प्रोग्रामर्स ये मानते हैं कि हम टॉस को इनिशियलाइज करेंगे जीरो से, कुछ प्रोग्रामर्स ये मानते हैं हम टॉस को इनिशियलाइज करेंगे -1 से। हम लोग सेकेंड वाली मेंटालिटी को फॉलो करेंगे। ऐसा मत सोचिएगा सर उससे कुछ बेनिफिट है, कोई बेनिफिट नहीं है, आपकी पसंद है आप जिसको फॉलो करें, लेकिन मैं सेकंड वाले पे चलूंगा। इसका मतलब मेरे केस में आप बताइए स्टैक खाली कब माना जाएगा? जल्दी बताइए, आपको अंडरफ्लो की कंडीशन समझ में आएगी। मेरे केस में स्टैक खाली कब माना जाएगा? जब टॉस -1 पे होगा। हाँ, इंडेक्स नहीं बोलना है उसको मधुर, इंडेक्स नहीं बोलना है। दोन से जब इंडेक्स -1 होगा, से जब टॉस -1 होगा, राइट? तो हम लोग ये मानेंगे स्टैक खाली होगा जब टॉस -1 पे होगा। सो फॉर अस वी एज्यूम आर टॉस इज एट -1, और मैं जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए टॉस को ऐसे दिखा रहा हूं।
सो टॉस इज एट माइनस वन, ये हमारा इनिशियल केस है, ठीक है। अब बताइए अगर लेक्चर क्लियर है तो, जब हम स्टैक में पुश करेंगे 10, पुशी बोलेंगे ना कि इंसर्ट बोलेंगे, पुशी बोलेंगे, वेरी गुड, शाबाश। जब हम स्टैक में 10 पुश करेंगे तो बताइए डायग्राम में क्या चेंज आएगा, एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। जब हम स्टैक में पुश करेंगे 10 तो डायग्राम में क्या चेंज आएगा, शाबाश। पहले टॉस बढ़ेगा, पहले टॉस बढ़ेगा और फिर टॉस वाली पोजीशन पे डेटा जाएगा, यस और नो, होगा ना ऐसा, पहले टॉस बढ़ेगा फिर टॉस वाली पोजीशन पे डेटा जाएगा, तो डायग्राम में कुछ चेंज आएगा क्या, जो स्टैक का ओरिजिनल डायग्राम है उसमें कुछ चेंज आएगा? हाँ आएगा, बिल्कुल आएगा। जो टॉस माइनस वन पे था वो टॉस माइनस वन से शिफ्ट होकर जीरो पे आ जाएगा और हम यहां पे स्टोर करेंगे 10, ठीक है। और ये हमारा अभी भी याद रखिएगा, होल व्यू अगर इसका देखें तो ये हमारा स्टैक है। ऐसे इमेजिन करिए, इस स्टैक में अब मैं पुश करता हूं 20, जब मैं स्टैक में 20 पुश करूंगा तो स्टैक में क्या चेंज आएगा, अगेन टॉस इंक्रीमेंट होगा। ये पुश 20 के ऑपरेशन का डायग्रामेटिक व्यू, राइट। इफ दिस इज आवर स्टैक, अगेन टॉस विल बी इंक्रीमेंटेड, बिल्कुल ठीक। कहां जाएगा टॉस, वन पे आ जाएगा, टॉस जीरो पे था, जीरो पे 10 आ गया, टॉस वन पे आया और वन पे आ गया 20। इसका मतलब आपको पुश फंक्शन के स्टेप समझ में आए, दो मेजर स्टेप जो पुश करता है, बहुत सिंपल है, टॉस बढ़ाओ एलिमेंट डाल दो, दैट्स इट। ये पुश का काम है, इंक्रीमेंट टॉस, इंक्रीमेंट बाय हाउ मच, इंक्रीमेंट बाय हाउ मच, ऑलवेज इंक्रीमेंट बाय वन, भूलिएगा मत, स्टैक ऑर्डर्ड है, वो कभी दो की छलांग नहीं देगा टॉस को, जब भी जंप देगा हमेशा सिंगल का जंप देगा, तो ऑलवेज इंक्रीमेंट बाय वन और फिर वहां पर एलिमेंट डाल दीजिए। तो ये 20 के पुश होने के बाद स्टैक की स्थिति है, ये ARR है, ये टॉस है, अगेन एज अ होल ये हमारा स्टैक है, ठीक है। अब मुझे बताइए, ऐसे करते करते जब हम सारे एलिमेंट्स पुश कर देंगे, दैट इज जब 50 पुश करेंगे, तो कौन कहां पहुंच जाएगा 50 को रखने के बाद, जल्दी जवाब दें, वेरी गुड। तब टॉस पहुंच जाएगा टॉप पे, टॉप इंडेक्स कौन सा है, टॉप इंडेक्स यहां पर 4 है, यहां आ जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, ये सब इस पूरे को कर लेंगे ऑक्यूपाई लाइक दिस, राइट। अब मुझे बताइए स्टैक में अगर हम 60 पुश करेंगे तो क्या होगा, वेरी गुड वेरी गुड। अब अगर हम स्टैक में 60 पुश करेंगे तो एल्गोरिथम ओवरफ्लो बोलेगी, एल्गोरिथम कहेगी स्टैक ओवरफ्लो और वो 60 को लेने से मना कर देगी, राइट। इसका भी डायग्राम देख लीजिए, अगर अब इस स्टैक के अंदर हमने पुश 60 करा, राइट, क्योंकि स्टैक की कैपेसिटी ही 5 एलिमेंट्स की थी लाइक दिस, तो स्टैक में 60 नहीं आ सकता, टॉस पहुंच चुका है 4 पे, सारा डेटा स्टैक में टोटली फुल हो चुका है, तो अब स्टैक में कैपेसिटी ही नहीं है कि वो 60 रख पाए। ऐसी स्थिति में डेटा स्ट्रक्चर्स का कहना है, एल्गोरिथम का कहना है, रिपोर्ट होना चाहिए स्टैक ओवरफ्लो। खाली 60 के लिए ओवरफ्लो होगा या अब हर एक के लिए ओवरफ्लो होगा, अब हर एक के लिए ओवरफ्लो होगा, जब तक स्टैक में जगह ना बन जाए तब तक वो हर एक के लिए ओवरफ्लो देगा। फॉर एवरी पुश ऑपरेशन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आर कोड विल रिपोर्ट स्टैक ओवरफ्लो, गॉट द पॉइंट, ठीक है। अब आइए पॉपिंग, अब पॉप का डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज सोच के जवाब दीजिएगा, पता लग जाएगा आपको कितना क्लियर हो रहा है, हम अपने चॉइस का एलिमेंट पॉप कर पाएंगे, हाँ या ना, बहुत बढ़िया, नहीं कर पाएंगे। इसका हम लाभ मानते हैं, पॉप कुछ लेगा नहीं हमसे, पुश की तरह पॉप कोई वैल्यू नहीं लेगा हमसे, ये कंफर्म बात है। स्टैक में से पॉप वही होगा जो स्टैक का टॉप एलिमेंट है, आप अपने चॉइस से पॉप नहीं कर पाएंगे, राइट। इसलिए फर्क समझिएगा, पुश को वैल्यू देते हैं, पॉप को कभी वैल्यू नहीं देते। आप कभी ये नहीं कहते पॉप 10, आप कभी ये नहीं बोलेंगे पॉप 30, पॉप विल ऑलवेज पॉप द एलिमेंट
which is already sitting at the top position. We never say to pop, ye element pop karo. Ye stack ka restriction. To pop isliye koi value nahi le raha hai parenthesis mein. To phir kaise dikhayenge isko? Aap isko diagrammatically dikhayenge. Stack ke andar the 5 element. 10, 20, 30, 40, 50. आपने पॉप कॉल करा तो ये जो 50 है ये बाहर आ जाएगा, राइट? अब बताइए अगर 50 बाहर आ जाएगा तो अब टॉप एलिमेंट कौन है? बहुत बढ़िया, अब टॉप एलिमेंट, वेरी गुड, 40 है. और इस बात को आप कैसे बताएंगे कि अब टॉप एलिमेंट 40 है? कैसे इंडिकेट करेंगे कि टॉप एलिमेंट 40 है? आपको टॉस को नीचे लाना पड़ेगा. कितने से? दो से? नहीं, एक से. टॉस कभी दो का जंप ना लेता है ना दो का डिक्रीमेंट लेता है. इसलिए बार बार मैं याद दिला रहा हूं, स्टैक ऑर्डर्ड है. ऑर्डर्ड मतलब स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है, स्टेप बाय स्टेप डिक्रीमेंट होता है. नहीं देंगे ना वर्षा, हम कोड लिखेंगे ऐसा एरर आएगी, हम फंक्शन ही ऐसा बनाएंगे कि वो वैल्यू नहीं लेगा. जैसे आप याद करिए, आप CLRSCR को कुछ वैल्यू दे सकते हैं क्या? सी में CLRSCR फंक्शन के पैरेंथेसिस में कुछ लिख सकते हैं क्या? आप नहीं लिख सकते, एरर आ जाएगी. ऐसे यहां पॉप में नहीं लिख पाएंगे अपन, राइट? कोड हम लिखेंगे ना ऐसा, तो इन रेस्ट्रिक्शंस को मान कर लिखेंगे कि अगर कोई पॉप अपनी मर्जी से कोई एलिमेंट पॉप कराना चाहेगा तो पॉप लेगा ही नहीं. वो पॉप को बताए उसे टॉप वाले एलिमेंट को पॉप करना है. ऐसे ही पीप भी हमसे कुछ नहीं लेगा, क्या कहते हैं? पीप को भी कोई वैल्यू नहीं देंगे? नहीं देंगे. पीप आपसे पूछ ही नहीं रहा क्या पीप करना है. वो जब जाकर स्टैक में चेक करेगा तो जो टॉप एलिमेंट होगा वही पीप होगा. तो नोटिस करिए, 50 पॉप हो गया. इस पॉप को मैं नॉर्मल इंग्लिश में यहां दिखा रहा हूं, रिमूव हो गया, राइट? रिमूव हो गया, डिलीट हो गया, जो बोलना है बोल लीजिए. और टॉस एक स्टेप नीचे आ गया. ये आपका एरे, ये अभी भी एज अ होल कहलाएगा स्टैक. मतलब मुझे आपके दिमाग में बस दो बातें डालनी थी. पुश का काम है टॉस बढ़ाओ, एलिमेंट डालो. पॉप का काम है एलिमेंट निकालो, टॉस डिक्रीमेंट करो. ये समझ आया? नहीं कर सकते स्लाइसिंग स्टैक में, नहीं कर सकते. वेरी गुड. स्टैक एम्प्टी है तो पीप क्या शो करेगा? वही शो करेगा जो पॉप करेगा. इन अदर वर्ड्स, हम उसके लिए -1 रखेंगे वैल्यू, ये दिखाने के लिए कि स्टैक में कोई एलिमेंट नहीं है, राइट? या अंडरफ्लो. ओके, जब स्टैक खाली है तो पीप बोलेगा स्टैक अंडरफ्लो, कुछ है ही नहीं स्टैक के पास शो करने को, राइट? तो ये आपका पॉप हुआ. सो सर वी कैन से दैट पुशिंग ऑफ एलिमेंट्स इज फ्रॉम बॉटम टू टॉप. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही वैशाली. पुशिंग ऑफ एलिमेंट्स इज फ्रॉम बॉटम टू टॉप एंड पॉपिंग इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ये फिक्स है, जब भी स्टैक में पुशिंग होगी टॉस इंक्रीमेंट होते हुए जाएगा नीचे से ऊपर, जब भी पॉपिंग होगी टॉस डिक्रीमेंट होते हुए आएगा ऊपर से नीचे. सब लोग इस बात को समझ रहे हैं? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, बहुत अच्छा स्टेटमेंट बोला है. स्टैक में पुशिंग ऑलवेज गोज फ्रॉम बॉटम टू टॉप, पॉपिंग ऑलवेज गोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. आया समझ? राइट. तो अब आप नोटिस करिए, बारिश में जल स्तर जो होता है, वॉटर लेवल जो होता है डैम्स का, वो भी स्टैक स्टाइल में बढ़ता है. बताइए, बारिश में किसी भी डैम का वॉटर लेवल स्टैक स्टाइल में ही बढ़ता है. वॉटर लेवल बढ़ता है तो बॉटम टू टॉप जाता है, घटता है तो टॉप टू बॉटम डिक्रीमेंट होता है. और एक ऑर्डर में होता है, आप मानते हैं एक ऑर्डर में होता है, जितना वो नीचे आता जाएगा एक सीक्वेंस में आता जाएगा, राइट? तो आपको मान लीजिए कोई प्रोग्रामेटिक प्रॉब्लम ऐसी मिलती है जिसमें आपको डैम को अप्लाई करना है, इन सब जगहों पर आपको स्टैक लगाना पड़ेगा कोड्स के अंदर, राइट? तो अब आते हैं पॉप के अगले कॉल पे. हमने फिर पॉप कॉल करा, जब फिर से पॉप कॉल करा तो अब सेकंड एलिमेंट बाहर आएगा, टॉप से सेकंड एलिमेंट. हमारे केस में टॉप से सेकंड एलिमेंट रहा 40, तो यहां रह गया 10, 20, 30. हम ये दिखाएंगे 40 डिलीट हो गया, पॉप हो गया, रिमूव हो गया, जो हमें ठीक लगे. तो हमने माना अब 40 को रिमूव या डिलीट कर दिया हमने. 0, 1, 2, टॉस कहां पर आ जाएगा? जल्दी बोलिए, टॉस कहां पर आ जाएगा? वेरी गुड, टॉस आ जाएगा इंडेक्स नंबर 2 पे. दिस होल इज अगेन स्टैक. ऐसे करते करते जब स्टैक में आखिरी एलिमेंट पॉप होगा,
यस जूही, 100% पॉप हमेशा स्टैक से निकाली गई वैल्यू रिटर्न करता है। इसका मतलब अगर प्रोग्रामिंग की वोकैबुलरी में बोलें तो पॉप की रिटर्न टाइप कभी वॉइड नहीं होगी। समझ रहे हैं आप लोग मेरा टेक्निकल स्टेटमेंट? पॉप की रिटर्न टाइप कभी वॉइड नहीं होती स्टैक में। पॉप हमेशा एलिमेंट निकालकर रिटर्न करता है। किसको रिटर्न करता है? अपने कॉलर को रिटर्न करता है। कौन कॉलर? जिसने पॉप को कॉल करा है, चाहे वो मेन हो चाहे वो कोई और फंक्शन हो। वो कोई भी फंक्शन हो सकता है, इट कुड बी मेन, इट कुड बी एनी अदर फंक्शन, लेकिन पॉप का धर्म फर्ज है कि जो स्टैक से निकला पॉप उसे अपने पास नहीं रखता, वो अपने कॉलर को वापस दे देता है ताकि कॉलर उस पर जो ऑपरेशन करना है करे। आया समझ? और पुश कभी कुछ रिटर्न नहीं करता, ये भी याद रखना। इसका मतलब पुश की रिटर्न टाइप हमेशा वॉइड होगी। पुश की रिटर्न टाइप हमेशा वॉइड होगी, बिल्कुल पुश की रिटर्न टाइप हमेशा वॉइड होगी। वैशाली, हम टॉप पास नहीं करेंगे, पूरा स्टैक पास करेंगे। आप देखना जब कोड करेंगे ना तब इस बारे में बात करेंगे, अभी कंफ्यूजन हो जाएगा, अभी छोड़ दो। अभी मैं कोड की बात ही नहीं कर रहा हूं, अभी तो मैं आपको सिर्फ डायग्राम समझा रहा हूं। इसको कोड में कन्वर्ट करेंगे तो पता लगेगा पॉप को क्या जाएगा, पुश को क्या जाएगा। नहीं, अगर ऑपरेशन नहीं हो पाया तो हम कुछ एरर कोड रखेंगे जो रिटर्न करेंगे, जैसे -1, 0 समथिंग लाइक दैट। ओके, अब जब लास्ट एलिमेंट आप स्टैक से पॉप कर लेंगे तो बताइए टॉस कहां पहुंच जाएगा? लास्ट एलिमेंट के हटने के बाद वहीं आ जाएगा जहां से शुरू हुआ था, जहां से उसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी, टॉस वहीं आ जाएगा। और ये 10 भी हम मानते हैं स्टैक से डिलीट हो जाएगा। तो अब अगर कुछ हटाएंगे तो अंडरफ्लो होगा, अब अगर इस स्टैक से कुछ हटाएंगे तो अंडरफ्लो होगा। यस, अब आप अगर इस स्टैक में से कुछ भी हटाते हैं तो डेटा स्ट्रक्चर की वोकैबुलरी में इट इज द केस ऑफ अंडरफ्लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये स्टैक है और अब आप इस स्टैक के लिए पॉपिंग करते हैं, कुछ है ही नहीं उसके पास पॉप करके देने को, जब कुछ है ही नहीं तो ये एरर बनता है। और इस केस में अगर पॉप कॉल करा जाता है तो हम एज्यूम करते हैं कि कोड जनरेट करेगा स्टैक अंडरफ्लो। बताइए डायग्राम्स क्लियर? ठीक है, अब अगला लेक्चर इन डायग्राम्स के कोड्स होंगे, इन्हें हम अब अगले लेक्चर में सबसे पहले एल्गोरिदम में कन्वर्ट करेंगे, सूडो कोड में कन्वर्ट करेंगे, फिर कोड में कन्वर्ट करेंगे। तरण, अलग अलग जगहों पर पीक और पीप आपको दोनों मिलेंगे, दोनों सही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लोग पीक बोलते हैं कुछ लोग पीप बोलते हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट्स आप लोग ले लें, बाकी जो मैं पढ़ा रहा हूं उसकी स्लाइड्स भी और स्क्रीनशॉट्स भी दोनों आपको ग्रुप में मिलेंगे। बट फॉर योर रेफरेंस आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, बाकी मैं टेलीग्राम ग्रुप में स्लाइड्स भी पोस्ट करूंगा और स्क्रीनशॉट्स भी पोस्ट करूंगा। अनुषा, बिल्कुल मिल सकती है रिकॉर्डिंग, आपको परमजी सर से बात करनी होगी रिकॉर्डिंग के लिए। ठीक है, एक बार सर को कॉल कर लीजिएगा, वो बता देंगे रिकॉर्डिंग कैसे अवेलेबल होगी। दिस इज सेकेंड पेज, दिस इज थर्ड। नेक्स्ट क्लास परसों, योर बैच इज मंडे वेंसडे फ्राइडे ना, सो नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन फ्राइडे 6 PM। सो दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, नई खुशी, उसके लिए फॉर्मूला होता है, आई डिस्कस दैट। मैं इसी कोर्स में आगे बताऊंगा आपको 2D एरे का एड्रेस निकालने का फॉर्मूला क्या है। ओके, हो गए स्क्रीनशॉट्स, हो गए। चलिए, सो नेक्स्ट क्लास इज ऑन फ्राइडे, राइट? फ्राइडे इज व्हाट डेट? आई थिंक 25th At 6 PM। ठीक है, आइए फ्राइडे, फ्राइडे करते हैं इसकी कोडिंग इंप्लीमेंट। ओके, बाय बाय, टेक केयर।